बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी टिक्का बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बीफ को बॉईल करेंगे, तो उसके लिए मैं प्रेशर कुकर यूज़ करूँगी। आप चाहें तो उसे किसी कढ़ाई वगैरह में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। 500 ग्राम बीफ लिया है जिसे अच्छे से वॉश कर लिया था, और इसमें बोन्स भी हैं, ये बोनलेस नहीं है। अगर आप चाहें तो सिर्फ बोनलेस ले लें। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, ऑयल 4 टेबलस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, दही 5 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। तो चलिए पहले बीफ को मैरिनेट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ बीफ लिया है, उसमें ऐड कर देंगे लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट। अब इसमें डाल दें दही, साथ ही डाल दें सिरका, तेल, पिसा हुआ सूखा धनिया, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर। अब इसे मिक्स कर लें। आप चाहें तो पहले दही को फेंट कर यूज़ कर लें, मैंने इसे नहीं फेंटा था, मगर इसे इस तरह से मिक्स कर लें कि मसाला जो है वो गोश्त पे अच्छे तरीके से लग जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दें। आप चाहें तो बीफ को किसी कढ़ाई वगैरह में भी बॉईल कर सकते हैं। मैं इसे प्रेशर कुकर में कर रही हूँ क्योंकि प्रेशर कुकर में थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और इसे पानी में एक बार मिक्स कर लें इस तरह। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। सॉरी, मैं पहले आपको दिखाना भूल गई थी। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी। 10 से 12 मिनट इसे ऑलमोस्ट प्रेशर डेवलप होने में लगेंगे। उसके बाद मैं इसे 25 से 30 मिनट के लिए रखूँगी ताकि गोश्त अच्छे से टेंडराइज हो जाए। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, अब मैं प्रेशर कुकर को खोल रही हूँ। तो ये देखिए, गोश्त अच्छे से टेंडराइज हो चुका है। इसमें ये जो पानी है, मैं इसे निकाल कर साइड पर कर लूँगी क्योंकि बाद में हम इसे मसाले में यूज़ करेंगे, और गोश्त को अलहदा कर लूँगी। मैंने जिस बीफ को पहले बॉईल किया था उसमें से उसकी जो यखनी है उसे निकाल लिया है। अब इसमें से निकाल लेंगे ऑयल, ऊपर जो ऑयल की तरी है उसे निकाल लेंगे ताकि हम बाद में इसे चावलों के ऊपर डाल सकें। मैं यहाँ 4 से 5 चम्मच इसमें से ऑयल निकाल लूँगी और इसे एक साइड पे कर दूँगी जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब एक सॉस पैन ले लें, उसमें डाल देंगे 1 से 2 लीटर पानी। उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे चावल। चावलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। मैंने यहाँ 1/2 kg राइस लिए हैं। मैं यहाँ सेला चावल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सेला चावलों से बिरयानी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो कोई और अच्छे बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 पत्ते तेज़पात के और 2 दरमियाने साइज़ के दालचीनी के टुकड़े। इसे मिक्स कर लें। चावलों को अच्छे से बॉयल होने देंगे। चावलों को ऑलमोस्ट 90% बॉयल करेंगे। तो ये देखिए, चावल अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इन्हें स्टेन करके एक साइड पर रख दें। तो अब बिरयानी के लिए कोयले को प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए सिंपली चूल्हे को ऑन करके उस पर रख दें कोयले का छोटा टुकड़ा। अब मैं आपको मसाले के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें इस तरह से कट कर लिया है सिंपली स्लाइसिस में। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें नॉर्मली काट लिया है। ये वही मसाले हैं जो नॉर्मली बिरयानी मसाले में होते हैं, जिनमें 3 पत्ते तेज़पात के मैंने लिए हैं, जिनमें 2 टुकड़े बड़ी इलायची के, 1 छोटा टुकड़ा बादियान का फूल, 4 से 5 लौंगे, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का, 2 छोटी इलायचियाँ,
उसके अलावा 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च। उसके बाद है 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून भर के पिसे हुए सौंफ। ये बिरयानी मसाला में डलते हैं इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून भर के तिक्का बोटी मसाला, ये लाजमी आपने इसमें ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके अलावा 3 से 4 हरी मिर्चें जिन्हें छोटा छोटा काट लिया था, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा रेड फूड कलर है जिसे थोड़े से पानी में मैंने मिक्स कर लिया है, येलो फूड कलर है जिसे मैंने 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स कर लिया था, 2 टेबलस्पून हरा धनिया जिसे छोटा छोटा काट लिया है, 2 टेबलस्पून पुदीना जिसे मैंने चॉप कर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें जिन्हें दरमियान से हाफ कर लिया था, इसके अलावा 1/2 कप ऑयल। अब एक सॉस पैन ले लें, उसमें डाल देंगे ऑयल, ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ऑयल को गरम कर लें अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे प्याज, अब इसे मिक्स कर लें, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो अब प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे गरम मसाले जो मैंने पहले आपको दिखाए थे, इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और इसे मिक्स कर लें। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, टमाटरों को 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि थोड़े से नरम हो जाएं, और जब हमें इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें यखनी यूज़ करूँगी। अब इसमें डाल देंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर सूखा, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, पिसे हुए सौंफ, तिक्का बोटी मसाला, और इसे मिक्स कर लें। मैं थोड़ी स्पाइसी बिरयानी बना रही हूँ, अगर आप थोड़ा स्पाइसी कम पसंद करते हैं तो आप मिर्चें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मसाले को अच्छे से फ्राई करने के लिए हमें जब भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें यखनी यूज़ करूँगी। तो ये देखिए काफ़ी हद तक टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे दही और इसे मिक्स कर लें। अब इसमें डाल देंगे बीफ जिसे हमने पहले बॉईल करके रखा था साइड पे। और इसे मिक्स कर लें। अब मसाले को 8 से 10 मिनट के लिए गोश्त के साथ फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें यखनी डाल दें, इसी तरह से मैंने सारी यखनी इसमें यूज़ कर ली है। और इसे मिक्स कर लें। मैं जब बिरयानी में लेयर लगाऊंगी चावलों की तो मैं इस तरह से गोश्त के मसाले को नीचे रखूंगी, उसके ऊपर चावल डालूंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ दें ताकि जब हम इसे दम पे रखेंगे तो ये थोड़ा सा सिमर हो जाएगा और मसाला नीचे नहीं लगेगा इससे। अगर आप चाहें तो आप पहले चावल डालकर उसके बाद दरमियान में मसाले की लेयर लगा सकते हैं गोश्त वाली और फिर चावलों की लेयर। तो ये देखिए कोयला गरम हो रहा है, मैंने साथ ही एक और छोटा पीस रख दिया था कोयले का, उसे भी गरम करने के लिए क्योंकि बाद में हम चावलों में इसे कोयले के साथ दम देंगे। तो अब मसाला रेडी हो चुका है, फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे साइड पे कर दें। जब बीफ थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसमें एक स्टील की प्लेट रख दें, या आप चाहें तो फॉइल का पीस भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें रख देंगे कोयला।
उसके बाद उस पे ऐड कर दें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल और इसे फ़ौरन कवर कर दें। इससे तिक्के का बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट मसाले में आ जाएगा। इसे 4 से 5 मिनट इसी तरह से कवर रहने देंगे। अगर आप में से किसी को कोयले की स्मेल पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसे उठाकर देख लेंगे। अब इसमें से प्लेट को साइड पे कर दें। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला तैयार हो चुका है बिरयानी के लिए। अब हम इसमें चावलों की लेयर्स लगा लेंगे। उससे पहले से एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अब हम चावलों की लेयर्स लगा देंगे। मैं मसाले को नीचे रख रही हूँ, इसके ऊपर चावलों की लेयर लगा रही हूँ। आप चाहें तो मसाले की लेयर दरमियान में भी लगा सकते हैं चावलों के। कुछ चावल डालकर आप इसे इस तरह से लेवल बराबर कर दें। अब इस पर डाल देंगे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें जिन्हें मैंने दरमियान से काट लिया था, थोड़े थोड़े फासले से हरी मिर्चें रख दें, येलो फूड कलर, इसे भी थोड़े थोड़े फासले से इस तरह से फैलाकर डाल दें, रेड फूड कलर, आप चाहें तो रेड फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं। अब इस पर एक बार फिर से चावलों की लेयर लगा दें। अब इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाल दें, साथ ही ऊपर डाल देंगे ऑयल की तरी जिसे हमने पहले साइड पे किया था गोश्त में से। अब इस पर येलो फूड कलर डाल दें थोड़े थोड़े फासले के साथ। अब इस पर हाफ लेमन स्क्वीज कर दें। तो अब हमारा दूसरा कोयला भी प्रिपेयर हो चुका है, तो उसके लिए एक फॉइल का पीस रख दें और उस पर रख दें कोयले का टुकड़ा जिसे हमने गरम कर लिया था पहले। अब इस पर डाल देंगे 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल और इसे फ़ौरन कवर कर दें इस तरह। इसके लिड में ये जो एक छोटा सा सुराख है मैं इसे भी बंद कर रही हूँ ताकि कोयले का धुआँ बाहर ना निकले। तो अब बिरयानी को दम के लिए रख देंगे। उसके लिए मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। मैं बिरयानी को दम के लिए ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के लिए रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब इसमें से फॉइल का पीस भी निकाल दें। मैं इसे हिलाकर आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए तैयार है हमारी माशाल्लाह से मज़ेदार सी टिक्का बीफ बिरयानी। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपनी नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।